तो वो लोग जिनका नाम एम और एन से शुरू होता है, ऐसे लोगों को साल 2023 में सफलता पाने के लिए किन लोगों की मदद करनी चाहिए, 2023 में क्या दान करना चाहिए और कौन सा इत्र इस्तेमाल करना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, आपका नाम अगर एम अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए तला हुआ और मसालेदार भोजन आपको नहीं करना चाहिए, नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हर रोज़ घर से निकलें तो किसी मंदिर में प्रणाम करते हुए जाएं। किसी धर्मस्थान में श्रमदान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। किसी ज़रूरतमंद विधवा स्त्री की मदद करना चाहिए। आपका नाम अगर एन अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम या इत्र जरूर लगाएं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को समय समय पर चावल का दान जरूर करें। जय माँ विंध्यवासिनी। वो लोग जिनका नाम ओ या फिर पी अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग साल 2023 को बेमिसाल बनाने के लिए शिवलिंग की कैसे करें पूजा और किस रंग के कपड़ों का करें ज्यादा इस्तेमाल, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। आपका नाम अगर ओ अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में महीने में एक बार कपूर पानी में डाल करके स्नान करिए। हर सोमवार को शिवलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ाएं। आपका नाम अगर पी अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में नवरात्र के समय 7 दिन कन्याओं को खीर या नारियल खिलाएं। सफ़ेद रंग के कपड़े जरूर पहनें या सफ़ेद रंग का रुमाल अपने पास जरूर रखें, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। जिन लोगों का नाम क्यू ओ या आर अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग 2023 को अपने लिए शुभ और खुशहाल बनाने के लिए किस चीज का पाठ करें और क्या करें दान, किन बातों का रखें खास ख्याल, आइए जानते हैं पंडित जी से। आपका नाम अगर क्यू अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए साल 2023 में किसी शुभ मुहूर्त में चांदी की 2 गाय बनवा करके एक को किसी योग्य वेदपाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए और दूसरी चांदी की गाय अपने पूजा स्थान में स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। अपने घर में श्रीयंत्र स्थापित करके उसके सामने बैठकर हर रोज श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। आपका नाम अगर आर अक्षर से शुरू होता है तो 2023 को सफल बनाने के लिए अपने दाईं हाथ की छोटी उंगली में चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। मंगलवार को मिठाई का भोग लगाना चाहिए और उसको सभी में बांटना चाहिए। क्रिस्टल अपने घर में जरूर रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।